गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 59 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 23 नवंबर के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे व्रत के बारे में, कुछ प्रेम में हमने पढ़े थे, आज भी हमें एक और प्रेम में पढ़ना जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पिछली वर्कशीट में कौन सा प्रेम पढ़ा था, हमने सीखा था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। कहने का मतलब जो आपका चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये मान लीजिए आपकी चाप है, केंद्र पर आपका जो कोण बन रहा है, सेंटर पे जो आपका कोण बन रहा है, वह कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर, बाकी जो हिस्सा बच चुका है वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इसी चाप से कोई दूसरा कोण आपका अंतरित कोण बन रहा है, वो क्या होगा, तो दो, ये जो है ये इसका दो गुना होगा। ठीक है, यही आपका प्रमेय था। इसमें क्या होगा, जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू है वो किसका दो गुना है, ए क्यू का। ठीक है, दो गुना है किसका, पी ए क्यू का। तो मान लीजिए कि आकृति में जो पी क्यू है, पी क्यू को मिलाकर जीवा क्यू पर बनाते हैं। ठीक है, हम जीवा बना देते हैं इसको मिलाकर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, हमने क्या खींच दी, एक जीवा खींच दी पी क्यू को मिलाकर। उसके बाद पी ए क्यू को वृत्तखंड पी ए क्यू पी में बना कोण भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, जो हमारा ये कोण बना है पी ए क्यू, इसको हम वृत्तखंड पी ए क्यू पी, पी ए क्यू पी, ये जो आपका वृत्तखंड है इसमें बना कोण भी इसको हम कह सकते हैं। तो अगर हम वृत्त के किसी भाग पर एक और बिंदु सी लें, ये आपका वृत्त है, इस पर हम, ये तो हमारा एक ए हो गया, अगर हम एक और आपका सी पॉइंट ले लें और इस सी पॉइंट से भी हम क्या पाएंगे, हमने ये सी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, यहाँ से जो आपकी चाप थी वहीं से हमने कोण बनाया है यहाँ पे सी का, तो ए और सी के कोण के बीच में क्या संबंध निकलेगा वो हम देखेंगे। तो देखो, जो पी ओ क्यू है, ये जो आपका कोण है वो दोगुना है किसके, पी सी क्यू के। ठीक है, इसके दोगुना है, क्यों, क्योंकि एक केंद्र पर है और दूसरा आपका बाहर कोई, बाकी जो शेष भाग है वहाँ पर आपका अंतरित कोण है, तो ये क्या होगा, इसका केंद्र वाला दोगुना होगा। ठीक है, ये हो गया आपकी पहला समीकरण। दूसरा, जो पी ओ क्यू है, ठीक है, जो पी ओ क्यू है ये क्या है, दोगुना है किसका, ए क्यू का, पी ए क्यू का दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये जो है पी ओ क्यू दोनों इनके बराबर हैं, तो आपस में ये भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब दोगुना है जो पी ए क्यू का वो किसके बराबर है, दोगुने पी सी क्यू के। यहाँ से दो कट जाएगा, इसका मतलब जो पी ए क्यू है, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये बराबर आए, कोण ए बराबर किसके, कोण सी के बराबर आए। ठीक है, तो इससे हमने पाया कि जीवा पी क्यू से बने वृत्तखंड में, ये आपका पी क्यू है, यहाँ से बने वृत्तखंड में पी क्यू आधार पर, ये जो आपका आधार है पी क्यू, इस पे आधार पर वृत्त पर बने दोनों कोण बराबर हैं। इस पे जितने भी, इस पर दोनों, इसके अलावा भी जहाँ पर भी इन दो पॉइंट से आपके कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आपका प्रमेय क्या हो गया, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक वृत्तखंड के अंदर जितने भी आप कोण बनाओगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो, उसके बाद आकृति में, ये आपको पिक्चर दिख रही है, इस आकृति में जीवा एम एन, ये आपकी लाइन है एम एन, जो कि वृत्त का एक व्यास भी है। ठीक है, ये क्या है, व्यास है, वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में बांट रही है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो इन दोनों बराबर वृत्तखंडों को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, आधा है ये, तो हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एम ओ एन है, जो आपका एम ओ एन जो आपका कोण है, वो क्या किसका दोगुना है, इसका दोगुना है। ठीक है, वो इसका दोगुना, ए का दोगुना है। तो हमें पता है हमारा प्रेम में क्या था, कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये 180, ये दोगुना है किसका, ए का, ये किसका है, दोगुना है एम ए एन का, तो इससे यहाँ से एम ए एन क्या आ गया, यहाँ से एम ए एन हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण होता है। ठीक है, इस प्रकार वृत्त का एक और गुण हम पाते हैं, क्या, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब देखो, अब हमारा एक उदाहरण है, ये उदाहरण से हमें देखना है कि किस, कैसे प्रश्न इससे आपके प्रेम से बनेंगे, उसके बाद आपको नीचे अभ्यास प्रश्न दिया गया है जो हमें स्वयं करना है। तो देखो, सबसे पहले आपका उदाहरण है, इसमें दिया हुआ है, जो आपको आकृति दी हुई है, आकृति में पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर, ये जो है कितना है, 110 है, जहाँ पे पी क्यू तथा आर, जो पी क्यू आर है वो क्या है,
ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। ये क्या है, ओ आपका बिंदु है, स्थित बिंदु है, यहाँ से ये क्या है, इस पर वृत्त पर बिंदु है पी क्यू आर। तो जो आपका ओ पी आर है वो आपको निकालना है, ओ पी आर ये मतलब एंगल थ्री जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पिछली वर्कशीट में भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो देखो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, पी क्यू आर कितना है, 110 है, ठीक है। तो यहाँ से जो पी ओ आर है बाहर वाला वन है, जो ये आपको दिख रहा है इतना एंगल है, जो वन एंगल जिसके सामने लिखा हुआ है, ये एंगल क्या है, दो गुना है किसका, इसका दो गुना है, क्योंकि ये क्या है, कोण पर आपका अंतरित जो आपका केंद्र है, केंद्र पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दो गुना होगा इसका। तो ये 110 है, 110 का दो गुना क्या होता है, 220, ठीक है। तो ये हो गया 220, इसका मतलब जो ये है, ये हिस्सा क्या आया, जो आपका एंगल एक है वो क्या आ गया, 220 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है जो पी ओ आर हम लेंगे अंदर वाला, ये पहले वाला भी पी ओ आर था जिसको हमने एंगल वन लिया था, अब भी पी ओ आर ले रहे हैं लेकिन हम एंगल टू ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अंदर आपको ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, तो एक मिनट में दिखाती हूँ, ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा, ये एंगल टू है आपका पी ओ आर, ये क्या होगा, ये देखो बेटा पूरा 360 होता है, 360 में से आपने अगर ये बाहर वाला हिस्सा माइनस कर दिया, बाहर वाला हिस्सा था 220, तो 360 में से 220 हम घटाएंगे तो 140 आएगा। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है आपका कितना आया, 140। अब देखो, अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये आप सबको पता है। तो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण का जो योग है वो कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अब आपका जो एंगल दो है, एंगल दो तो आपका कितना निकल चुका है, 140 निकल चुका, ठीक है। तो एंगल दो आपका 140 निकल चुका है यहाँ से, और एंगल जो तीन और चार हैं, ये तीन और चार क्या है, बराबर है, ठीक है। ये क्यों बराबर है, ये देखो, ये जो एंगल तीन है ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपकी, ये क्या आपकी त्रिज्या है, और त्रिज्या बराबर है, तो त्रिज्या बराबर है तो त्रिभुज की दो भुजाएं अब जो बराबर है उनके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो तीन बराबर चार के कोण के बराबर हो गया। अब इसमें हम चार की जगह क्या रख देंगे, तीन रख देंगे, क्यों, क्योंकि तीन चार के बराबर है, तो मैंने चार की जगह तीन रख दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, जो एंगल दो है वो है 140, ठीक है, ये तो 140 है, प्लस में ये क्या है, दो आपकी क्या हो गई, एंगल तीन हो गई, किसके बराबर है, 180 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 140 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 140 कितना हो गया, 40। तो आपका जो दो एंगल तीन है वो कितना आया, 40 आया, ठीक है। अब आपको खाली एंगल तीन निकालना है, तो क्या करेंगे, 40 बटे दो कितना हो जाएगा, 20। तो एंगल जो तीन है वो कितना आ गया आपका, 20 आ गया, ये जो आपका कोण है कितना आ गया आपका, 20 आ गया। यही हमें निकालना था, ओ पी आर, ठीक है। तो ये था हमारा उदाहरण, अब देखते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न, दो क्वेश्चन आज आपको दिए गए हैं। पहला आपका प्रश्न है, एक वृत्त पर ए बी सी डी बिंदु है, ठीक है। तो ए सी और बी डी आपस में एक प्रकार इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि जो आपका बी ई सी कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना है, 130 दिया हुआ है, और जो ई डी सी है ये जो आपका कोण है ये 20 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बी ए सी ज्ञात करना है, बी ए सी क्या है, ये आपका ए है। तो देखो प्रश्न नंबर एक, ये है आपका प्रश्न नंबर एक, ये सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, ये आपकी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर ये आपका जो कोण है, सीधी रेखा पर कोण कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये हो गया बी ई सी कोण बी ई सी, प्लस में ये क्या हो गया, इतना हिस्सा डी ई सी, किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर। तो बी ई सी ये हिस्सा आपको 130 दिया हुआ था, ये वाला हिस्सा भी मुझे निकालना है, ठीक है। ये हिस्सा कैसे निकलेगा, 130 को मैं उधर ले जाऊंगी, 180 माइनस 130 50, ठीक है। तो 50 डिग्री मेरा ये निकल गया। अब देखो यहाँ से डी ई सी में ये मुझे डी निकालना है। तो देखो आपको पता है जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों कोणों का योग ले लेंगे, ई का, डी का और सी का, ठीक है। ये रहा ई डी और सी कोण का योग है जो 180 लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने डी ई सी क्या निकाला है, 50 निकाला है, और ई सी डी ये आपको 20 दिया हुआ है, ये आपको 20 दिया हुआ है। तो 50 और 20 कितने होते हैं, 70 होते हैं। तो ई डी सी निकालूंगी, तो कैसे करूँगी, 180 में से 70 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 180 में से 70 गए 110। तो मेरा जो ई डी सी है वो कितना आया, 110 आया। ये देखो ये कितना आया, ये मेरा 110 आया। अब ध्यान से देखो, अब आपके पास आपके जो प्रेम में है क्या कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका जो ये वृत्तखंड है ये आपकी क्या होगी, जीवा जो होगी, यहाँ से
ये दोनों इसी पर बनते हैं, तो ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा 110 है, तो ये भी क्या होगा, 110 होगा। तो लिखोगे आप कोण BAC किसके बराबर है, BDC के, तो BAC भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर एक। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर दो पे। प्रश्न दो में आपको देखो, ये आकृति आपको दी हुई है, इस आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि आपको तीन बिंदु दिए हुए हैं ABC, इस तरीके से कि जो BOC है, BOC है आपका, ये देखो ये जो एंगल है, ये जो कोण है आपका 30 डिग्री है, और ये जो कोण है आपका 50 डिग्री है। ठीक है, तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त, आपके जो ABC है इसके अतिरिक्त वृत्त पर हम D बिंदु पर है, ठीक है, तो ADC आपको ये D निकालना है, आपको क्या करना है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो प्रश्न नंबर दो, ये सबसे पहले आपको पिक्चर बनानी है। तो यहाँ से देखो जो AOC है वो कितना है बेटा, 50 जमा में 3, 50 जमा में 3 कितना है, 80। ठीक है, अब आपको पता है ये 80 है, तो ये क्या होगा, ये आपका इसका डबल होता है। आपको पता है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ से जो AOC है मेरा, ये है AOC, ये डबल है किसका, ADC का, ADC का डबल है। तो AOC अभी हमने 80 निकाला, ये किसका डबल है, ADC का डबल है। तो यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 80/2 क्या होता है, 40 डिग्री होता है। तो मेरा ADC क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर दो। तो ये दो क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।